कुदरती आपदा के बाद प्रदेश के बड़े नेता लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को नियांगल पंचायत में आई त्रासदी के जख्म देखने के लिए सुलह के विधायक विपिन परमार, पूर्व मंत्री राकेश पठानिया, विधायक नूरपुर रणवीर निक्का समेत तमाम नेता पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों के उजड़े आशियानों का हाल भी देखा। वहीं पंचायत उप प्रधान संदीप ठाकुर ने आपदा प्रभावितों का दर्द नेताओं के सामने रखा। इस दौरान उप प्रधान ने कहा कि उनका दुख सुनने नेता लोग आए हैं, जबकि हमने आपको वोट तक नहीं दिया और जिन्हें वोट देकर दिल्ली पहुंचाया वे सांसद किशन कपूर कहां हैं इसका कोई पता नहीं है। इस भारी त्रासदी में जब हमें उनकी जरूरत थी तो उन्होंने एक फोन तक नहीं किया। उन्होंने सवालों के तीर छोड़ते हुए कहा कि कांगड़ा चंबा सांसद ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करना तो बड़ी दूर की बात है, वो हमें 5 वर्षों से मिलने तक नहीं आए। क्या कहना है इन लोगों का सुनिए। नियांगल पंचायत में जो एक सप्ताह पहले त्रासदी हुई थी, जिसके चलते आज भाजपा के कुछ नेता अपना सुलह से विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार जी, नूरपुर से विधायक ठाकुर रणवीर सिंह निक्का जी और पूर्व में रहे राकेश पठानिया जी पंचायत के दौरे पे आए थे, उनका हम स्वागत करते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों का, पीड़ित परिवारों का हालचाल जाना। परंतु जिस सांसद को हमने वोट दिए थे वो ना तो हमें 5 साल पहले दिखाई दिए और ना ही अभी त्रासदी में दिखाई दिए। जब मैं ये बातें बोल रहा था तो मेरी आवाज़ को बीच में दबाया भी गया, परंतु मेरा जो ये पूछा जाना था, सवाल था, वो एक लाजमी था क्योंकि उनको हमने वोट भी दिए थे और जिन व्यक्तियों को हमने वोट नहीं दिए वो भी हमारी पंचायत में पीड़ित परिवारों के साथ आकर मिल रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं। और जो किशन कपूर जी हैं वो अभी तक हमें एक फोन तक नहीं किया उन्होंने पीड़ित परिवारों के लिए, और इसके लिए हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा था। परंतु मेरा पूछना ये लाजमी था क्योंकि मैं एक पंचायत प्रतिनिधि भी हूँ, अगर प्रतिनिधि नहीं भी होता तो भी ये मेरे पंचायत का परिवार है, उसके लिए हमें किसी भी दरवाजे तक जाना पड़ेगा, कहीं भी जाना पड़ेगा। तो हम पंचायत प्रतिनिधियों का हमारा फर्ज है कि उनकी आवाज़ को उठाया जाए। और साथ में मैं धन्यवाद करता हूँ ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का, कृषि मंत्री चंद्र कुमार जी का, क्योंकि उन्होंने जो 1,30,000 राशि बढ़ाई है, अपना जो पीड़ित परिवार है उनके लिए राशि भी बढ़ाई है, परंतु 1,30,000 से घर नहीं बनता है। तो मेरा उनसे निवेदन रहेगा सरकार से कि इस राशि को भी बढ़ाया जाए और लोगों को जो भूमि है भूमि भी जल्द से जल्द चिन्हित करके दी जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम उनकी भी आलोचना करेंगे और सरकार का भी घेराव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।